वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू ब्रांड जिसका नाम है पिलग्रिम सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड और जिनके फॉर्मुलेशंस हैं कोरिया बेस्ड, लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इनकी इंडिया में करते हैं। तो इसके ब्रांड के बारे में आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ और कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने इसके ऑर्डर किए थे अमेजोन से उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और मुझे ये प्रोडक्ट कैसे लगे, रिकमेंड करूंगी या नहीं करूंगी। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ब्रांड के बारे में। तो गाइस ये एक पिलग्रिम, इनका नाम है पिलग्रिम सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड। इनके जो फॉर्मुलेशंस हैं और इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये ग्लोबली कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इंडिया में होती है। तो इनके जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, इनका मैंने मंगवाया था एक टोनर और इसका सिरम भी मंगवाया था मैंने, और मुझे एक ना बॉडी स्क्रब चाहिए था अपने लिए, क्योंकि मैं बहुत देर से कोई बॉडी स्क्रब यूज नहीं कर रही थी। नॉर्मल स्क्रब्स ही यूज कर लेती थी अपनी बॉडी के लिए, लेकिन जो एक प्रॉपर बॉडी स्क्रब्स होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। तो मैंने एक बॉडी स्क्रब मंगवाया और एक बॉडी बटर मंगवाया इसका, और ये सारे चारों प्रोडक्ट्स मैंने इनके ऑर्डर किए थे अमेजोन से। आप चाहें तो इनके अमेजोन से इनके प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हैं। और गाइज ये सारे के सारे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्रुएल्टी फ्री हैं, ये एनिमल्स पे टेस्ट नहीं करते हैं, 100% वीगन है। और जिन लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, वीगन प्रोडक्ट्स को यूज करना अच्छा लगता है, तो गाइज ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल आपके लिए हैं। इनकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे, यूज करने में बहुत अच्छे हैं। और गाइज इसमें आपको कोई भी केमिकल्स नहीं मिलेंगे, नो पैराबेंस, नो सिलिकॉन, नो कोई भी इस तरह के केमिकल्स। जो मेन 20 केमिकल्स इस तरह के यूज किए जाते हैं मोस्टली जो भी स्किन केयर हेयर केयर के लिए, इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। और हाँ गाइज इनके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो FDA अप्रूव्ड भी हैं। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम इसके फेस मिस्ट और टोनर की। तो गाइज ये आपको एक पंप फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। और इसका स्प्रे आप दिखाते, इसका ना स्प्रे मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम से इक्वली इवनली स्प्रेड होता है, ठीक है। और इसकी क्वांटिटी आपको मिल जाती है 100 ml, प्लास्टिक की बॉटल है तो टूटने का भी डर नहीं है, आप इसको पर्स में भी रख सकते हो, लीक नहीं होता है बिल्कुल भी। ऊपर कैप दे रखा है, 100 ml इसकी क्वांटिटी है। और इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 300 rupees, मुझे काफी अफोर्डेबल लगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको टोनर के साथ साथ एज अ मिस्ट भी यूज कर सकते हो, दैट मीन्स आप इसको अपने मेकअप के ऊपर भी यूज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मैंने अभी मेकअप कर रखा है, तो मैं इसको अपने मेकअप के ऊपर भी लगा सकती हूँ, ताकि जैसे अगर मैंने पूरा दिन भर मेकअप किया होता ना, तो हमारा क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे या दोपहर के टाइम पे ना फेस बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, तो हम उसको कभी भी रिजुवेनेट कर सकते हैं, एकदम से फ्रेश फीलिंग ला सकते हैं अपने फेस के ऊपर और हाइड्रेशन भी लेकर आ सकते हैं मिस्ट के थ्रू। तो आप मिस्ट इस तरह से यूज कर सकते हो, अगर आप कॉलेज गोइंग भी हो ना तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। और सेकेंड यूज आप कर सकते हो इसको एज अ टोनर, तो टोनर के तो बेनिफिट्स आपको पता ही है, आपको फेस वॉश के बाद टोनर को यूज करना होता है। स्प्रे कर लीजिए अपने फेस पे और उसको डैप 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 करके अच्छे से अपने स्किन के ऊपर अंदर से अंदर तक इसको, जब ये जो स्किन होती है ना वो बहुत अच्छे से पी जाती है, इसको थोड़ी देर में ड्राई हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको उसको कुछ और करना पड़ेगा कि यार पहुंचना पड़ेगा या दोबारा से मुंह धोना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो आप इसको एज अ टोनर यूज कीजिए, टोनर से बेनिफिट आपको ये होगा कि आपके जो पोर्स होते हैं ना वो अच्छे से श्रिंक हो जाते हैं, ताकि आपकी जो बाहर से डस्ट है डर्ट है वो आपके पोर्स में अंदर ना जाए। या अगर आप मेकअप वगैरह भी लगा रहे हैं ना तो भी आपको टोनर हमेशा उससे पहले जरूर लगाना चाहिए, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। सो गाइज ये है इसकी आउटर पैकेजिंग, ये कार्टन इस तरह के आता है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग लगी इसकी मुझे, और कलर कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा प्यारा है। सो गाइज आपको 100 ml क्वांटिटी मिल जाती है, इसका जो प्राइस है 300 rupees, और आप इसको 36 months तक आराम से यूज कर सकते हो। और ये इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, तो आपकी स्किन के ऊपर कोई भी रैश नहीं करेगा, कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, और इसमें अल्कोहल भी नहीं है। और आप इसको ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, इसको ड्राई कॉम्बिनेशन, जैसे मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैं इसको बहुत आराम से यूज कर सकती हूँ, और ड्राई और ऑयली दोनों इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस सेकंड प्रोडक्ट है मेरे पास इसका फेस सीरम, जो कि मैं ज्यादातर इसको लगाना पसंद करती हूँ रात को, और मैं इसको काफी दिनों से अब यूज कर रही हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 1 week हो चुका है इसको यूज करते हुए। और गाइस ये ना ऑयल बेस्ड सीरम है, और इसकी जो आपको क्वांटिटी मिलती है वो 30 ml है, जो कि आराम से आपकी 1 month या इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि 1 महीने से भी ज्यादा चल जाएगा, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही ड्रॉप्स बहुत हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, ड्राई वालों के लिए हाँ 3 से 4 ड्रॉप्स चाहिए। और गाइस आपको 30 ml क्वांटिटी मिल जाती है, और इसका जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 550 rupees है, क्वांटिटी के हिसाब से और इसकी क्वालिटी के हिसाब से मुझे इसका प्राइस काफी अच्छा लगा। और ये है गाइस विटामिन सी नाइट सीरम, ठीक है, आप इसकी पैकेजिंग भी आप देख सकते हैं।
बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है, जस्ट लव द पैकेजिंग। और गाइज ये है विटामिन सी नाइट सीरम विद हाइलुरोनिक एसिड एंड वाइट लोटस। और आपको पता है हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अंदर तक डीप तक 10 लेयर्स तक हमारा जो हाइलुरोनिक एसिड होता है ना वो डीप 10 लेयर्स तक आपकी स्किन के अंदर जाता है और आपको अंदर तक हाइड्रेट करता है, इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है। और अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर भी वर्क करेगा। और ये आता है इस पंप फॉर्म में, इसकी जो बॉटल है वो कांच की है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि थोड़ा सा ये मतलब टूटे ना गिरे ना, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पंप फॉर्म में आता है और इसका मैं आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। ये है, अगर आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखाऊं, ये थोड़ा सा ना ऑयल बेस्ड है, ये वाटर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप एक से दो ड्रॉप्स भी लेंगे ना अपनी स्किन के लिए तो आई थिंक सफिशियंट रहेगा। और इसको लगाने के बाद बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एक ग्लो आता है। और गाइज इसकी फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूं तो फ्रेग्रेंस भी ना इसकी बहुत ज्यादा ऐसे तेज कोई स्मेल नहीं है, ना ही इसमें कोई केमिकल की स्मेल आती है, जैसे बहुत हल्के से कुछ ऑयल्स की ही खुशबू आती है, लेकिन ऐसे स्ट्रांग वाली खुशबू नहीं है, अच्छी वाली। और थोड़ी थोड़ी फ्लावर्स, ऐसा लगता है कि किसी ऑयल में ना फ्लावर्स के कुछ एक्सट्रैक्ट्स मिक्स किए हुए हैं, वैसी वाली खुशबू आती है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और काफी सूदिंग है और सूंघने में भी अच्छा लगता है और रात को इसको लगा के नींद भी बहुत अच्छी आती है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट प्रोडक्ट की, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी इसको यूज करने के लिए। ये है पिलग्रिम का बॉडी स्क्रब। और गाइस ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसका नाम है वोल्गैनिक लावा एश बॉडी स्क्रब। तो ये है कुछ इस तरह की पैकेजिंग इसकी। तो अगर आप इसको जब खोलेंगे तो आपको इसके अंदर इस तरह का बहुत ही बड़ा ह्यूज टब मिलता है, जो कि आप बहुत देर तक यूज कर सकते हो। सी द पैकेजिंग, पैकेजिंग इज सो ब्यूटिफुल। और ये ग्लास का टब है गाइज और काफी हैवी ड्यूटी है। सो गाइज क्वांटिटी जो इसकी है वो है 200 ग्राम्स और इसका जो प्राइस है वो है 650 रुपीज। तो आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि आपकी स्किन के ऊपर क्या करेगा। तो उससे ये है, दिस बॉडी स्क्रब इज क्राफ्टेड टू डिटॉक्स एंड ब्राइटन योर स्किन एंड वोल्गैनिक लावा एश एक्सफोलिएट करेगा और प्रमोट करेगा आपकी स्किन सेल्स को रीजनरेट करेगा। और इसमें है युगडुगू और व्हाइट लोटस। तो युगडुगो क्या करता है, युगडुगो रिड्यूसेस पिगमेंटेशन और जो कि व्हाइट लोटस जो होता है वो इम्प्रूव करता है आपकी इलास्टिसिटी को और आपको बहुत ही ज्यादा ब्राइट करता है, लाइटन ब्राइटन और रिजवनेट करता है। और आपको मैं सबसे पहले इसका ये भी दिखा देती हूँ, इसका जो टेक्सचर है ना कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। ये ना थोड़ा सा जैसे कोई मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी, कुछ वैसा सा इसका टेक्सचर है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये क्या टेक्सचर है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल कोई गीली मिट्टी होती है। लेकिन आपको क्या करना है, अच्छा मैं आपको यूज कैसे करना है मैं आपको वो भी बताती हूँ। और इसकी जो, अगर आप इसको ऐसे स्मेल करेंगे ना आपको इसकी कोई स्मेल ज्यादा आएगी नहीं, लेकिन जब आप इसको पानी के साथ कनेक्ट करते हो ना, पानी के साथ, अच्छा मैं आपको लगाना कैसे ना पहले आपको वो बता देती हूँ। इसको ना अपनी बॉडी पे अच्छे से पहले अपने पानी लगा लेना है बॉडी पे, ठीक है। और उसके बाद जब पानी आप लगा लेंगे, हल्का सा क्वांटिटी लेना है, इतना सा क्वांटिटी लेके आप उसको अच्छे से रब करना स्टार्ट करो। जैसे आप रब करेंगे ना एकदम से ये क्रीमी फॉर्म में तैयार हो जाता है और व्हाइट कलर का निकल आता है और आप, और बहुत ही ज्यादा गाइज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और एकदम से ना आपकी स्किन की पूरी जो रफ स्किन हुई होती है और जो डेड स्किन सेल्स होते हैं ना वो सारे अच्छे से रिमूव कर देता है। और आप उसको कुछ दो मिनट के लिए आप उसको अच्छे से मसाज कीजिए, जहां जहां बॉडी पे आपको इसको स्क्रब करना है अपनी बॉडी को, आप वहां पे इसको स्क्रब कीजिए। उसके बाद आप ठंडे पानी से उसको धो लीजिए। वॉश करने के बाद आप देखोगे आपकी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है। और जब आप इसको टच करेंगे ना, मतलब इसके बाद आपको बॉडी बटर क्रीम लगा नहीं भी लगाएंगे ना तो भी चलेगा, इतनी ज्यादा स्किन आपकी सॉफ्ट और सापल हो जाती है। सो गाइस मेरे पास लास्ट प्रोडक्ट है इसका बॉडी बटर। ये है इसकी आउटर पैकेजिंग, सेम वैसी ही पैकेजिंग थी जैसी आपने बॉडी स्क्रब की देखी, ठीक है। सेम वही डिट्टो सेम है, बस प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो ये है शिया एंड कोकोआ बटर विद व्हाइट लोटस बॉडी बटर। और गाइज ये भी आपको 200 ग्राम्स मिल जाता है और इसकी जो प्राइस है वो है 650 रुपीज। और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है इस प्राइस में, आराम से आपका बहुत महीने चल जाएगा। अगर आप इसको डेली भी लगाएंगे ना तो भी बहुत ज्यादा देर चलने वाला है। और अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं तो
तो ओह वाओ यार, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, काफी थिक इसकी कंसिस्टेंसी है, मतलब एक बार आप इसको लगा लेंगे ना तो आप इसके अडिक्ट हो जाओगे, इतना ज्यादा अच्छा है। शिया बटर और कोकोआ की तो मैं आपको ऑलरेडी आपको पता ही है, इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स है, आपको डीपली हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको शावर के बाद लें, जब भी आप नहाएं, नहाने के बाद बॉडी स्क्रब जरूर कीजिए, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। बॉडी स्क्रब करने के बाद आप इस बॉडी बटर को लगा सकते हो, आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो बॉडी पे, ठीक है। और आप बस अच्छे से ले लीजिए, इसको अच्छे से मसाज कीजिए और ये पूरा दिन आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखेगा। रात में लगाइए चाहे दिन में लगाइए, और इसको मेन वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करेगा। और हाँ, अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है ना, आप उसको वहां पे भी लगा सकते हो, उसको भी थोड़ा सा ठीक करने में हेल्प करता है। तो गाइज, आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइज, ये थे मेरा आज का रिव्यू वीडियो, पिलग्रिम्स की क्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड कोरिया के प्रोडक्ट्स, और ये है लेकिन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। आई जस्ट लव दीज प्रोडक्ट्स, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को लेने में इंटरेस्टेड हुए तो मैं इनके जो लिंक्स हुए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अमेज़न पे अवेलेबल है, आप इनको चेकआउट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने एक बार भी इसको खरीद लिया ना, आई एम श्योर कि आप इसके अडिक्ट हो जाओगे, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। और इसमें से अगर आप मेरा फेवरेट प्रोडक्ट पूछो तो मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट इसका बॉडी बटर लगा, मतलब मैंने इसके जैसा कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट यूज ही नहीं कभी भी किया, इसलिए भी मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेग्रेंस भी गाइज इनकी बहुत डिफरेंट है, बहुत ही अच्छी है, मतलब ना ही केमिकल्स की तो बिल्कुल कोई है ही नहीं है, मतलब जीरो केमिकल्स। और अगर हम फ्रेग्रेंस की भी बात करें ना, तो फ्लावर्स और ऑयल्स का मिक्सचर इन्होंने जो किया है ना, मतलब कि फॉर्मूलाज आर एक्सीलेंट, आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, बॉडी स्क्रब्स ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।